सर्विस कॉस्ट कितनी रही है, क्या ये 125 सीसी की रेंज ये में है कीवे की एसआर 125 और ये जो आप देख रहे हैं ग्रैब हैंडल पीछे पकड़ने के लिए बैठने वालों के लिए, ये भी ये सारी ही एसेसरीज मुझे अराउंड 4,500 के आसपास पड़ी। कीवे एसआर 125 बाइक जैसा आप जानते हैं मैंने भी रिसेंटली ली है, मुझे उसको लिए हुए एक महीना हो गया है, तो मैं अपना वही पास्ट वन मंथ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या ये बाइक लेनी चाहिए आपको ये मैं आपको बताऊंगा, क्या इसकी सर्विस कॉस्ट रहती है, क्या इसका माइलेज है, कहाँ ट्रिप फिटर होता है इसका, और क्या एक्सेसरीज आप इसमें लगवा सकते हैं जो कंपनी से आती है। तो ये आज का वीडियो होगा हमारा। मेरा नाम है ओम, आप देख रहे हैं फिक्स इट, स्टे ट्यून्ड। तो गाइज ये है इसकी की जो थोड़ी क्वालिटी अगर आप कहें तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें अच्छी हो सकती थी, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ऑल्दो आज का वीडियो मैं बेसिकली इस पर फोकस करने वाला हूँ, मेरे पास वन मंथ का जो एक्सपीरियंस मेरी बाइक के साथ रहा है, क्या ये आपको लेनी चाहिए या क्या नहीं लेनी चाहिए ये मैं आज आपके बारे में बताऊँगा। इसमें मैं और ये भी बताऊँगा कि इसमें क्या क्या एसेसरीज इसमें आप बाद में लगवा सकते हो जो मैंने इसमें लगवा लिए हैं अभी। बेसिकली वन मंथ एक्सपीरियंस के बाद इसमें सर्विसिंग भी हुई है, तो सर्विस में क्या चार्ज इसमें आया है, सर्विस कॉस्ट कितनी रही है, क्या ये 125 सीसी की रेंज में जितनी बाइक्स आती हैं उनके हिसाब से कंपैरेटिवली इसकी सर्विसिंग महंगी रही या सस्ती रही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि भैया आपने बाइक मॉडिफाई करा रखी है, RX यामा 100 जो हुआ करती थी वही बाइक है क्या? बहुत सारे सवाल आते हैं बट मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि अभी इतनी लोगों तक पहुँची नहीं है ये बाइक। ये है कीवे की एसआर 125 जैसे आप तो जानते ही हैं, देखने में अच्छी लगती है, मॉडिफाइड लगती है और बहुत सारे फीचर्स इसके ऐसे रहते हैं रेट्रो लुक में दे रखी है ये बाइक, तो ये इसकी बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट भी है। सबसे पहले तो आप सीट कवर देख रहे हैं, सीट कवर भी इसमें देख सकते हैं अच्छी कीवे की, उसमें इन्होंने बैजिंग लगा रखी है, अच्छे क्वालिटी का सीट कवर है ये, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रैब हैंडल पीछे पकड़ने के लिए बैठने वालों के लिए, ये भी अच्छी क्वालिटी का, स्मेल मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई हुई है। ये साड़ी गार्ड है, क्लोथिंग गार्ड जिसे आप कह सकते हो पीछे बैठने के लिए जो पैसेंजर होता है उसके लिए, ये आप देख सकते हैं सीट कवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ जो मैंने लगवाई है वो है लेग गार्ड, तो ये लेग गार्ड दो तरह के आते हैं, डायमंड शेप में आता है कि स्ट्रेट शेप में आता है, मैंने स्ट्रेट वाला लगाया भाई। ये सारी ही एसेसरीज मुझे अराउंड 4,500 के आसपास पड़ी, जिसमें से सबसे एक्सपेंसिव ये लेग गार्ड ही था, ये 1800-1900 रुपये का है। मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए मैंने लगवाई हैं, और वर्थ द प्राइस थी। आप देख सकते हैं बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इसमें ट्रिप मीटर है भी या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे इसका ट्रिप मीटर वर्क करता है, तो मैं दिखाऊंगा। जैसे ही ये मीटर कंसोल है आप इसके नीचे देख सकते हो एक बटन है, ये यही ट्रिप मीटर इसमें दे रखा है पीछे, तो ज़्यादा फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें ट्रिप लगाने का, ट्रिप सेट करने का फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं बटन प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप और ओडोमीटर पे आता रहेगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ट्रिप आपकी सेट कर देगा, ये बेसिकली इसका फंक्शन है जो उसमें पीछे छुपा हुआ था, बट ये भी एक तरह का फीचर अच्छा है। तो अगेन चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरी वन मंथ की सर्विसिंग के बाद कितना खर्चा आया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कोई भी सर्विस फ्री नहीं है कीवे की बाइक में, इनका कहना है कि ये स्पोर्ट्स रेंज में आती है तो कोई भी सर्विस फ्री नहीं होगी, और सर्विसेज थोड़ी मैं बताऊँ आपको महंगी रहने वाली है। इसकी जो मेरी वन मंथ की सर्विस, अभी मैंने वन मंथ बात करी जो कि उसमें उन्होंने खाली ऑयल चेंज किया होगा, चेन लुब्रिकेशन करी होगी और नट वगैरह टाइट किए होंगे, उसमें जो खर्चा आया है वो आया है 2700 प्लस जो इनके टैक्स वगैरह रहते हैं, तो वो अराउंड 2800 के आसपास मेरा इसमें फर्स्ट टाइम का ये चार्ज लगा है सर्विस का। आप मुझे बताएं क्या ये सर्विस चार्जेस ज़्यादा महंगे हैं? मुझे तो महंगे लगे क्योंकि मेरे पास होंडा की शाइन भी है, उसमें तो इतने चार्जेस नहीं आए, वो भी खैर उसकी आप अलग बात है क्योंकि वो होंडा की बाइक है। तो अब बात करते हैं इसके एवरेज की या माइलेज की, कितना माइलेज ये दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 125 सीसी है, तो और बाइक जितनी 125 सीसी वाली बाइक है उनके माइलेज के आसपास ही है। मैं पूरा चेक तो नहीं कर पाया क्योंकि अब ये FI सिस्टम आ गया है, तो उसमें 1-2 लीटर तो टैंक में रहना ही रहना पड़ता है तेल को, तो मैं इसको पूरा खाली तो नहीं कर पाया, बट उसके अराउंड जब मैंने चेक किया तो मुझे ये 48 से 55 के बीच में, मतलब कि आप इसको कह सकते हो 50 से 55 के बीच का ये मुझे माइलेज दे रही है, तो जो कि अच्छी बात है इस रेंज में। बट यस, आप कह सकते हो कि 125 सीसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ी बाइक महंगी है, हाँ ये महंगी है, बट आपको उसमें वो नहीं होगा क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हर जगह इन्होंने बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगा रखी है। तो अब मेन सवाल, क्या ये बाइक खरीदने लायक है या नहीं है?
जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर जो सिटी में इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं उनके लिए बाइक बहुत अच्छी होने वाली है। विद रेट्रो लुक बहुत अच्छा है और माइलेज आपको मिलने वाला है 125 सीसी का विद डिस्क ब्रेक्स, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये सब आप इसे ले सकते हैं, बट ये 125 सीसी अदर बाइक से 50,000 लगभग महंगी होने वाली है। बट बाइक की बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इसमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खर्चे आने वाले हैं। आई होप मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर पाया हूँ। ऐसी ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।